So yes, we are live. I hope I'm audible to you. Yes, so I'm audible. जो भी आया हाय हेलो लिख दो, मुझे पता चलते रहे. सो जल्दी शुरू करते हैं. यस, सो हाय अर्जुन. हाँ यार, लेट हो गए, क्या करें. हो जाता ना कभी कभी, किसी किन किन चीज़ों पे, काफ़ी चीज़ों पे हमारा बेसिकली कंट्रोल नहीं होता. उनमें से एक चीज़ ये भी है, टेक्नोलॉजी है, लेट हो जाती है. बता दो, ऑडिबल हूँ ना मैं? आवाज़ वगैरह क्लियर है मेरी, आपके मेरी तरफ से? जी हाँ, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, सब बढ़िया है ना. चलिए ठीक है. सो पहले मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, साथ में आप चीज़ें कुछ भी कर सकते हो, कमेंट वगैरह. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी है, फील फ्री टू आस्क. ठीक है, तो इज़ एमिटी गुड? यार कुछ खास नहीं कविदास, पैसे खर्चने वाली बात है यार. अमीरों की यूनिवर्सिटी है, पैसे खर्च करने की बात और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, थोड़ी चीज़ें बता दूँ, उसके बाद जो आपके सवाल हैं वो भी लूँगा. चाहे आपके सवाल जम्मू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है, 11th के रिगार्डिंग है, 12th के रिगार्डिंग है, बिकॉज ये हमारा लाइव सेशन जो है डाउट सेशन होने वाला है पूरा का पूरा, जिसमें आपके डाउट्स वगैरह लिए जाएंगे. डाउट्स आपको किसी भी तरह के हैं, फील फ्री टू आस्क. चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ना, अगर पहली बार आप लोग आए हो. ठीक है, चलिए. सबसे पहली चीज़, आपकी ना ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मंडे से काउंसलिंग शुरू होने वाली क्लास 12th की. ठीक है, जिस बच्चे ने चाहे कॉमर्स में अप्लाई किया है, बीबीए के लिए अप्लाई किया है, आपने साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, अगर आप करना चाहते हो फॉर एग्जांपल बीएससी, बीसीए, या अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हो, तो कोई भी कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी में जो आता है, बेसिकली क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू टू बी प्रिसाइज, उसमें जो भी कॉलेजेस आते हैं उनकी काउंसलिंग शुरू है. जो भी अपने फॉर्म्स भरे थे, आपके रैंक के ऊपर काउंसलिंग शुरू होने वाली है अब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो काउंसलिंग कैसे चलेगी? जो भी आपकी रैंक है बेटा, जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है, फर्स्ट टू लेके 600, 1 to 600 तक काउंसलिंग है मंडे को, जहाँ पे आप सबको जाना है. ठीक है, लेट मत होना, नहीं तो सीट चली जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना. और जिस जो आपका रैंक है आपको सबसे जाना है. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक बच्चे का रैंक है 309, तो वो जाएगा मंडे को. ठीक है, ऐसे ट्यूजडे का काउंसलिंग होगी 601 से लेकर 1200 तक. ठीक है, 601 से लेकर 1200 तक. तो सपोज़ किसी बच्चे का रैंक है, सपोज़ का नाम है बी, और बी बच्चा है, उसका रैंक है 727. ठीक है, तो वो जाएगा ट्यूसडे वाले दिन, ऐसे काउंसलिंग चलेंगी. और रैंक आना मतलब किसी बच्चे का अगर 10th रैंक भी है ना, तो पक्का नहीं उसकी सीट पक्की हो गई है, आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा. वहाँ जाके अपना आपको सब कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको सीट मिलेगी. पहली चीज़ तो ये है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं. काफ़ी बच्चे मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, हमने ना 2 से 3 स्ट्रीम्स के लिए फॉर्म भरा है. सर मैं साइंस का हूँ, मैंने साइंस के लिए भरा है, मैंने कॉमर्स के लिए भरा है, मैंने आर्ट्स के लिए भी भरा है. अब साइंस के लिए तो साइंस कॉलेज में हो रही है काउंसलिंग, और आर्ट्स के लिए गांधीनगर में हो रही है, GCW गांधीनगर, और SPMR में हो रही है हमारी काउंसलिंग कॉमर्स वालों की. तो मैं अटेंड करूँ क्योंकि मेरा रैंक तो पहले दिन ही आ रहा है, अब क्या करूँ मैं? तो इसके लिए मैंने आपको एक चारा बताया था. मैं बता दूं, मैंने काफ़ी बच्चों को मैसेज भी किया था. आप क्या कर सकते हो, तीनों जगह तो आप जा नहीं सकते, आप खुद एक जगह चले जाओ, बाकी 2 जगह अपने पेरेंट्स को भेज दो, अपने भाई बहन को भेज दो, ताकि वो वहाँ पे जाके काउंसलिंग अटेंड करें और आपके वहाँ पे आपका नाम पक्का करवा दें. ठीक है, ये ना बाद में आपकी सीट चले जाए तो वो रिस्क नहीं लेना है. अच्छा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूँ और वेन्यू से बताता हूँ. जो बच्चे कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो बेटा जाएंगे SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स. ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है मंडे को, अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेनी है, बीबीए में एडमिशन लेनी है काउंसलिंग के लिए. ठीक है, तो कॉमर्स और बीबीए की काउंसलिंग हो रही है SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स में. सिमिलरली अगर आपको साइंस में एडमिशन लेनी है, जैसे बीएससी हो गया, ठीक है, अगर आपको होम साइंस में एडमिशन लेनी है या आपको बीसीए में लेनी है, तो आपका वेन्यू है GGM साइंस कॉलेज, जहाँ पे आपकी काउंसलिंग हो रही होगी मंडे ऑनवर्ड्स. सिमिलरली अगर आपने आर्ट्स में एडमिशन लेनी है, चाहे कोई भी कॉलेज चाहिए, बट अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेनी है, तो आपको जाना पड़ेगा GCW गांधीनगर. ठीक है, वुमेन कॉलेज जाना पड़ेगा गांधीनगर, वहाँ पे आपकी आर्ट्स की काउंसलिंग हो रही है, आपको आपके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाएगा. ठीक है, ये चीज़ें हो गई. अब मैं आपको कट ऑफ बता दूँ SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स का. मुझे लगता है, देखो ये पक्की बात नहीं, यही होगा, मैं आपको अपने तरफ से एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, जो आज मतलब पिछले सालों में चीज़ें रही हैं और ट्रेंड जो चल रहा है, कंपटीशन जो है, और जैसे जम्मू कश्मीर बोर्ड में आपको पता है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं एज़ कम्पेयर टू CBSE. तो उस हिसाब से मैं बता दूँ आपको, BBA में आपका कट ऑफ 92 से 95 के आसपास रहने वाला है, जनरल की मैं अगर बात करूँ. ठीक है, कॉमर्स में रहने वाला है 85 से लेकर 88% के आसपास, कॉमर्स मतलब बीकॉम वगैरह में.
ठीक है, 2-3% ऊपर नीचे लेके चल सकते हो, चीज़ पॉसिबल होती है। और अगर मैं रिजर्व कैटेगरीज की बात करूँ तो अब अपने 5-5% कम कर दो, जो भी मैं बताऊँगा जनरल का बताऊँगा उससे 5% कम कर लेना, वही रहने वाला आपका आपका रिजर्व कैटेगरीज, जैसे SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, ठीक है, अचीवमेंट कैटेगरीज भी हो गई आपकी। तो कॉमर्स का मैंने बता दिया। अगर मैं साइंस कॉलेज की बात करूँ तो मुझे लगता है BCA का रहेगा बेटा 80% के अराउंड, और आपका जो BSc वगैरह है बेसिकली साइंस का, होम साइंस का, वो रहेगा 85% के अराउंड, ठीक है। BSc 85%, होम साइंस 85% और BCA का 80% के अराउंड आपका रहने वाला है। तो ये भी बात होगी साइंस की। अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ, जैसे जिस बच्चे को BA करनी होगी तो उसका रहेगा 82 से लेकर 85% का, ठीक है। ये आपका कट ऑफ रहने वाला है जनरल का, बता के चलूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से 4-5% अपने से आप बड़ा कम कर सकते हो, उसके आसपास ही रहने वाला है, ठीक है। ये एस्टिमेशन है, पक्की बात ही यही होगा। और एक चीज़ और बोल दूँ, जिस बच्चे का रैंक लो है, अगर कोई लड़की है जिसका रैंक लो है बेटा, GCW परेड कॉलेज के अभी फॉर्म खुले हैं, फिल कर दो। अगर आपको BA करनी है, BSc करनी है, BCom करनी है, BCA करनी है, बिकॉज जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है, तो ये ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। और जो बाकी बच्चे हैं ना, वो सेकंड ऑप्शन लेके चलो। अपने सेकंड ऑप्शन क्या लेके चलोगे, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी के आप अप्लाई कर सकते हो, JU के, वहाँ के फॉर्म्स अभी ओपन हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। नियर बाय कॉलेज थोड़ा मुश्किल है मिलना, बट फिर भी ये ना हो कि साल बर्बाद हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखो। और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो, अगर आपने आई हो BBA की फाइनेंसिंग सीट भरी होगी तो आप उसमें जा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जिनका नंबर नहीं आएगा, अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे आपका माइट यहाँ पे होता है, वो आपको BBA करवा लेता है, BCom वगैरह करवाता है, BCom ऑनर्स करवाता है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, बट ये थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। तो क्लस्टर में यह गवर्नमेंट का कॉलेज, आपकी फ़ीस वगैरह इतनी नहीं पड़ती। और मेरा नहीं मोटिव रहता है यार, मैं नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा फ़ीस भरो, बिकॉज बैचलर्स आप नॉर्मल जगह से भी कर लोगे, ठीक है, मास्टर अच्छी जगह से करना, ये मेरा मानना है, राइट। और कोई क्वारी होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपके मैं क्वारी सॉल्व कर दूंगा। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, बच्चे मेरे से पूछे थे सर BCom ऑनर्स का तो फॉर्म निकला नहीं था तो क्या करें। देखो बेटा, BCom ऑनर्स या कोई भी ऑनर्स है ना, जो वो इस साल से डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है, वो इस साल से डिसकंटिन्यू हो चुका है। द रीज़न बीइंग, आपका उन्होंने NEP लगा दी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी की एक चीज़ अच्छी है, NEP फॉलो कर रहे हैं इस साल से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको क्या होगा, बेसिकली जो NEP 2020 आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे, तो आप उनके थ्रू चीज़ों को प्रोसीड कर सकते हो। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन, जैसे सपोज फर्स्ट ईयर का बाद आप छोड़ना चाहते हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और अगर आप थर्ड ईयर हो गए, आप चाहते हो या मैं इसकी रिसर्च करूँ थर्ड ईयर के बाद, या मैं चाहता हूँ मेरी स्पेशलाइजेशन हो जाए ऑनर्स में, तो आप एक साल और लगा के 4 साल का UG कर सकते हो। और अगर आप 4 साल का UG कर जाओगे, ठीक है, तो PG में आपको सिर्फ 1 साल करना है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर कोई अभी NEP यूज़ नहीं कर रहा, तो अगर आप कल को कोई इसी यूनिवर्सिटी में जाते हो दूसरी, तो वहाँ पे शायद 1 साल की जगह 2 साल आपको करना पड़े, तो 1 साल शायद वेस्ट हो सकता है, क्लियर है। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको चीज़ें बतानी थी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेंटर को रेडी रहना आप सब अपनी काउंसलिंग के लिए, जिसका 1-600 रैंक है, आप रेडी रहना, ठीक है। जैसे मैं कॉमर्स का आपको डिटेल में बताऊँ अगर, तो कॉमर्स में अराउंड आपकी सीट्स कम होती, तो BBA की तो पहले दिन फुल हो जाएंगी, और कॉमर्स की शायद दूसरे दिन चले जाएँ, क्योंकि कॉमर्स का मुझे चांस लगता है दूसरे दिन जाएंगी। तो जो 600-600 के बाद वाले रैंक वाले बच्चे हैं, उनको भी चांस मिलेगा अपेयर होने का, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज़ मैं सेशन को रैपअप करूँ। कुछ भी सवाल आपके, चाहे आप 11th के बच्चे हो, चाहे 12th के हो, चाहे आपको कॉलेज में एडमिशन लेनी है, CUT के एग्ज़ाम्स भी अभी रिजल्ट कुछ आया नहीं, अभी टाइम लगेगा, तो आई होप आपको CUT के एग्ज़ाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे, जिस वजह से आपका प्रॉबिलिटी होगी कि अच्छे कॉलेज में लैंड कर जाओ, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछे जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज़ वी कैन रैप अप द सेशन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी नोटिफिकेशन वगैरह के लिए कुछ डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ सकते हो, शिवम जोहर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी ID है, सेम DP है, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह के लिए, क्योंकि हर बार कभी मैं फ्री नहीं होता तो मैं वहाँ पे अपडेट्स पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं ज्वाइन होता तो शिवम जोहर सर्च करोगे, चाहे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह सेम नाम से और सेम प्रोफाइल पिक्चर के साथ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, राइट। और बाकी जो कंप्लेन कर रहे थे आप लोग, सर 11th की वीडियोज़ बनाओ, 12th की वीडियोज़ बनाओ,
आप बड़े दिन से डाल नहीं रहे हो, वो कंप्लेन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज कमिंग वीक से वो चीज़ें भी आने शुरू होने वाली हैं। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते हैं अब, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। आई होप जो आपको कॉलेज चाहिए वो मिल जाए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।